दोनों दवाखाने में थे तो एक बड़े मौलाना है मेरे पास, ये बंदर की था, आके बोले मेरे को एक ऐसी चीज है उसको अगर आंख रख लिए तो गोली भी छिनई छीती आपको। मैं बोला ओ हो, बोला आप बड़े पहुंचे हुए मौलाना। बोले हाँ हमारा इल्म बहुत ज्यादा है। मैं अच्छा बताओ जरा ये है, अच्छा क्या है वो तस्बीह निकाले। बोला ओ हो, बोला मौलाना सर को आपके नबी आते हैं, जाके हमारे एमएलए को बोला मियाँ तुम्हारे के लिए लाइसेंस पिस्टल है। बोले है साहब, मेरा अंदर आओ जरा, मेरा मौलाना दिखाओ जरा, मेरा निकाल के मारे गोली, इस पर देखेंगे असर करता नहीं करता। जैसा हमारा एमएलए निकाला सीधा पैर पे डाइव मारे, अल्लाह के लिए माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ। मेरे भाई, हम अपने भाई के गम में भी अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना नहीं छोड़े, ये हमारी सोच है। और ये लगा के इन वो करते वो क्या करते, अरे भाई तुम लोग आओ मौलाना, तुम बंदर यहां से वहां, ये झाड़ी से वो डाली, वो डाली से ये डाली, अब आप आके बोल रहे मजलिस को हमारे मौलाना माने, ये आप मौलाना, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सीनों में अल्लाह का, उसके रसूल का कलाम, काल अल्लाह और रसूल अल्लाह की मिसालें आप, ये पॉलिटिकल मौलाना। ये बेचारे कांग्रेस राष्ट्रवादी फिर नहीं उधर इधर अजी हजर बैठो ना, ये बच्चों के से कामा नहीं कर रहा दीवारा कूदने के, मत करो। यहाँ पर हमने कांग्रेस को ठाई ठाई कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है इन राष्ट्रवादी। अच्छा ये तो बताओ मौलाना, ये मिर्ची से क्या कनेक्शन है तुम्हारी पार्टी का? बंबई में मिर्ची ड्रग का डीलर था, ये मिर्ची का ड्रग का क्या कनेक्शन है? और ट्रिपल तलाक का जब बिल आया था, ट्रिपल तलाक के बिल में क्या राष्ट्रवादी ने मोदी का साथ नहीं दिया? जब आपको याद नहीं आया